हाँ ज्यादा बिजनेस किया है। हाँ जी हाँ जी, मैं बस मुबारकबाद दूंगा हाँ जगदीश जी को, क्या नाम है, हाँ जो दैया जो दिल्ली से आए थे उनके साथ काफ़ी चीटिंग भी हुई थी पहली फिल्म में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस बार मुस्कुराते हुए गए हैं। छोटे बजट की फिल्म, आप बजट सुनेंगे या हिल जाएंगे कि इतने में कोई फिल्म बन सकती है, 75 लाख में फिल्म बनी है सर, पहले दिन की कमाई 2.5 करोड़, फिर अगले दिन 3.5, संडे 5 सर आप बताइए, बहुत अच्छी बात है सर। बस ये हमारे प्रोड्यूसर खुश होने चाहिए और सेम जी हमारे प्रहलाद जी बहुत मेहनत करके फिल्म बनाते हैं, इनको आज मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैंने इनको कभी ऐसे नाराज नहीं देखा कि सेंसर ने इनको नाराज किया। आई लव यू, आप और फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में बनाइए, हम लोग आपके साथ हैं, बड़ी फिल्म बनाइए। मैंने उनसे कहा भी कि अब अगली फिल्म हम लोग मिलके बहुत बड़ी बनाएंगे और आपको जो जो कलाकार चाहिए हम लोग आउट ऑफ द वे जाएंगे, मीडिया आपके साथ है, हम आपके साथ। क्या कहना चाहेंगे जो ठगों हिंदुस्तान की फिल्म की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल कुछ पसंद नहीं आई, काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे थे पर सोचा जाके देख के आएंगे एक बार, लेकिन कुछ पसंद नहीं आई। इससे अच्छा तो जर्नी ऑफ कर्मा जो शक्ति कपूर की पिक्चर रही थी वो ज़्यादा बेटर थी, इससे उसने ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है, इनफैक्ट इससे अच्छा ये तो ऐसा लग रहा है। लाखों की फिल्म थी, लाखों की, और इसमें कास्ट अच्छी है, अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है, लेकिन स्टोरी से ये हो गया। कितने निराश है पब्लिक इस बात? काफ़ी निराश है। बट जर्नी ऑफ कर्मा की बात करें, कितने बड़े बजट की फिल्म थी, उसकी सक्सेस भी हुई, जितना पैसा लगाया था उस हिसाब से लोगों ने पसंद भी किया, ज़्यादा नहीं, काफ़ी अच्छा पसंद किया उसको, काफ़ी उसके रिव्यूज़ भी आए, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स गए थे उन्होंने भी अच्छे रिव्यूज़ दिए उसके, काफ़ी अच्छी थी वो, ज़्यादा बेटर अच्छे बिजनेस की। एक्टिंग के बारे में बात करें, अमिताभ की एक्टिंग के बारे में क्या कहना है? अमिताभ का एक्टिंग तो अलग ही है, ठीक है, ही इज़ द आइकन, बट इसके हिसाब कास्टिंग अच्छी थी मैं कहना चाहूँगा, लेकिन बिजनेस अच्छा आई डोंट थिंक ये बिजनेस अच्छा कर पाएगी। दोनों में किसको मैं बेटर मैं इसको देना चाहूँगा, जर्नी ऑफ कर्मा। थैंक यू। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो बड़ी बजट की फिल्म थी, लेकिन पिक्चर की ओपनिंग अच्छी है, बट आमिर खान साहब और बच्चन साहब की कॉम्बिनेशन अच्छी थी, लेकिन फिल्म जो पब्लिक ने चाहा वो वाली बात नहीं है। और कर्मा की जो रिकवरी थी 4 करोड़ की थी, लेकिन लाखों में पिक्चर थी, ये तो कम से कम 200 करोड़ की 300 करोड़ की फिल्म है, यशराज को ये फिल्म नहीं करना चाहिए था। पूनम की एक्टिंग जो है इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा बिजनेस कर गई, शक्ति कपूर की बात करें क्या, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी अलग ही थी, उसका पोस्टर अलग था पूनम पांडे जी का, इसलिए पब्लिक घुसी है, बीसी सेंटर अच्छी चली है। एज ए मैं प्रोड्यूसर बनूँ तो मैं ऐसी फिल्म बनूँगा। तो क्या कहना चाहेंगे दोनों के कंपेयर के बारे में एक लाइन में? कर्मा की अच्छी रिपोर्ट है, कर्मा मैं कर्मा को वैल्यूएशन दूंगा, कर्मा इज ओपनिंग गुड। थैंक यू। देखो सिनेमा हॉल में तो पब्लिक थी और नहीं भी थी, मतलब आप कह सकते हैं कि 70-80% वहाँ पर पब्लिक थी, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मुझे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी मूवी लगी, और उसमें जो मैसेज दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। अब डजेंट मैटर कि आप जो है उसका कलेक्शन कितना आता है क्या आता है, जैसे कि बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होती हैं कि जिनका कलेक्शन कम आता है, लेकिन क्या वो फिल्में ख़राब हो जाती हैं? फिल्में नहीं ख़राब होती, हो सकता है कि सलमान की बहुत अच्छी एक फिल्म आए, हाँ, जिसका कलेक्शन 500 करोड़ कमाए, लेकिन हो सकता है उसका कॉन्सेप्ट ख़राब हो, जैसे हम रेस 3 देखते हैं तो वो उसका कॉन्सेप्ट ख़राब है लेकिन फिल्म कमाती है। लेकिन मुझे पर्सनली मैं बोलूं तो ये फिल्म मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लोग बोल रहे हैं ख़राब है, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट अच्छा है। ये बात सही है कि इंडिया के लोगों ने ही इंडिया को गुलाम करके रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म का बिजनेस भी बहुत मायने रखता है। हाँ नहीं रखता है, वो तो प्रोड्यूसर के लिए लगता है, पर्सनल ऑडियंस के लिए नहीं रखता ना। शक्ति कपूर की फिल्म आई थी, हाँ लाखों में बनी थी। देखो मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ ना, तो मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए अच्छी फिल्म, अच्छा कॉन्सेप्ट, मैसेज क्या है फिल्म में, और क्या मुझे इंटरटेनमेंट क्या हो रहा है, इंटरटेनमेंट मैसेज के साथ मुझे क्या हो रहा है, ये जो अच्छी ऑडियंस। हाँ बोलिए ना, कर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं मैंने अभी कहता कर्मा देखी नहीं, तो अब कर्मा मैं देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। हाँ ठीक है, अगर उसने लाखों की फिल्म थी करोड़ों बिजनेस किया, तो ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म अच्छी है, वो उसको सुपरहिट बोल सकते हैं, ब्लॉकबस्टर बोल सकते हैं, क्योंकि उसने अगर कोई फिल्म 1 करोड़ में बनती है वो 10 करोड़ कमाती है, और कोई फिल्म 10 करोड़ में बनती है वो 10 ही करोड़ पर रुक जाती है, तो वो तो
दूसरों का प्रॉब्लम है ना, वो तो मान लो कि बॉक्स ऑफिस का है, वो मार्केट का है, लेकिन एक ऑडियंस की नज़र से मेरे लिए ये फिल्म अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में? थग्स ऑफ हिंदुस्तान एज ए देखा जाए तो ठीक है मूवी, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, बट चलो ठीक है, बड़े बजट की मूवी है, अच्छा कमा गई। आजकल क्या है कि पैसा लोग ज़्यादा देखते हैं, तो बस ठीक है। लेकिन इससे पहले भी एक मूवी आई थी शक्ति कपूर की, लास्ट वीक की बात करें, हाँ कंपेयर करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अकॉर्डिंग टू थग्स ऑफ हिंदुस्तान तो शक्ति कपूर की मूवी ज़्यादा बेटर थी, बहुत अच्छी मूवी थी वो, बट थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक पुरानी जर्नी को लेके, पुरानी कहानी को लेके, बट ठीक है, जितना एक्सपेक्ट, जितना हाँ जर्नी ऑफ कर्मा, ये 70s की मूवी बनाई है उन्होंने, और कर्मा उसका तो क्या कहना, मतलब माइंड ब्लोइंग मूवी थी। और 70s की मूवी को देखा जाए तो एज ए स्टोरी है इसके अंदर जो कि लोगों को कम समझ आई है, ये देखा जाए तो। एक बजट की अगर बात करें, कम पैसे लगाकर प्रॉफिट की अगर बात करें, लाखों में फिल्म बनी थी, करोड़ों कमाया उसने, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहा जाए इसमें तो, ठीक है, अब लोगों का नज़रिया है, जैसे लोग रहते हैं उस हिसाब से पसंद करते हैं, बाकी मुझे तो ज़्यादा ठीक लगी, ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया। 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे दोनों फिल्मों? 10 में से थग्स ऑफ हिंदुस्तान को मैं देना चाहूँगा 6 मार्क्स, और उसको देना चाहूँगा मैं 10 में से 8 मार्क्स। थैंक यू कपूर साहब की जो फिल्म, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है वो चलती है। शक्ति कपूर की बहुत बड़ा स्टार कास्ट नहीं था, कुछ नहीं था, पिक्चर चली है, तो यानी कि स्टोरी चलती है, स्टार नहीं चलता है, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस थैंक यू। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में पिक्चर एकदम बकवास है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और शक्ति कपूर की छोटी पिक्चर वो अच्छी पिक्चर है, पुण्य पांडे ने अच्छा बिजनेस किया है, इसको लोग ज़रूर देखें, बस थैंक यू। एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुझे मूवी से, बिकॉज आमिर खान की मूवी ऑब्वियसली परफेक्शनिस्ट है, अमिताभ बच्चन है, इन ट्रेलर से काफ़ी गहरा इम्पैक्ट हो रहा था मुझ पर। जैसे ही अंदर गया, लाइक यू नो इट वॉज वट वॉज गोइंग ऑन, लाइक इट वॉज सच द स्क्रीन प्ले वॉज सो फ्लॉ, मतलब इतने सारे फ्लॉज आए, इतने सारे नीच क्लिप्स आए, आई थिंक मुझे लगा था, आई थिंक कैटरीना का रोल तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सेप्ट फॉर स्टाइलेशन, एक्सेप्ट फॉर द VFX, आई डोंट थिंक द फिल्म हैज़ नथिंग ग्रेट टू ऑफर, तो इतना कुछ खास लगा नहीं, बट एनी वेज आमिर इट वॉज आई एम सॉरी बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, बट इससे बेटर तो आई थिंक आई डोंट नो, मैंने देख ली थी इस मूवी को, शक्ति कपूर और पूनम पांडे की एक मूवी आई थी द जर्नी ऑफ कर्मा, आई थिंक वही थोड़ी सी बेटर लग रही थी मुझे, आई एम सॉरी बट रियली थग्स ऑफ हिंदुस्तान नॉट दिस टाइम, मेरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आई एम सॉरी। मुझे पिक्चर बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, आमिर खान को देख के मैं मूवी के लिए गई थी, बहुत बकवास मूवी है, अमिताभ बच्चन फिर भी थोड़ा संभाल लिया मूवी को, बट पैसे वेस्ट है, बिल्कुल पैसा बकवास गया। और उसके बाद उससे पहले कर्मा आई थी मूवी पूनम पांडे और शक्ति कपूर की, वो लाखों में बनी थी बट करोड़ों कम आ गई, ये मिल है। मतलब कोई स्टार को देख कर फिल्में हिट नहीं होती, क्या कहते हैं? स्टार को देख के मूवीज़ बिल्कुल हिट नहीं हो सकती, बट स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को देख के मैं गई थी कि चलो अच्छी होगी मूवी, बट नहीं है, बहुत बकवास मूवी है, पूरा थिएटर खाली पड़ा है, पैसे वेस्ट हो गए। थैंक यू।